हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका एवर एग्जाम चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था पूरे मैथ्स के सिलेबस के बारे में, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो आज मैं आपके सामने हूँ परसेंटेज। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज परसेंटेज टॉपिक। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट पे अलग वीडियो दूंगा, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मकसद यही है कि अगर कोई बिगिनर है, किसी ने कभी नहीं पढ़ा इस टॉपिक को, उसको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, परसेंटेज पहले हमें कोई भी जब चीज हम पढ़ते हैं तो उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। परसेंट का मतलब क्या है? मैंने लिखा एक तरफ पर और एक तरफ सेंट। अगर मैं इसको देखता हूं अलग अलग, तो पर का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है, प्रत्येक। और सेंट का मतलब कितना होता है? 100, यानी कि प्रत्येक 100। तो परसेंट का मतलब होता है 100 पर कितना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है, आपने कोई एग्जाम दिया और आपसे पूछा जाता है कि परसेंट कितने परसेंट मार्क्स आपके आए, तो क्या मतलब है इसका? अब जैसे पूछा जाता है ना, स्कूल में पढ़ते थे, पड़ोसी पूछते थे कि बेटा कितने परसेंट नंबर आए, तो परसेंट का मतलब क्या है? अगर वो परसेंट पूछ रहे हैं तो उसका, अगर मैं बेसिकली देखूं तो मुझसे वो पूछना क्या चाह रहे हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम दिया 500, मैक्सिमम मार्क्स थे उसमें 500 और आए 300, कितने प्राप्त किए? 300 नंबर। तो पूछा जाए कितने मार्क्स आए, तो इसका मतलब ये है कितने परसेंट का, कि 500 में से 300 आए हैं। अगर 100 नंबर का पेपर होता तब कितने आते? मतलब 500 में से आए 300, तो एक में से कितने? 300 बटे 500। तो 100 में से कितने? 300 बटे 500 गुणा 100। तो हम आंसर ऐसे निकालते हैं ना, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ये पूरा मैंने आपको बेसिक बताया है कि क्या है इसका मतलब। होता क्या है कि जितने नंबर आए उसको ऊपर लिखा, जितने में से आए मैक्सिमम मार्क्स वो नीचे, और गुणा 100, ये निकल गई परसेंटेज। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, हमें हर चीज को समझना है, रटना नहीं है। ऐसे रखा तो, लेकिन क्यों रखा? इसका मतलब ये होता है कि 500 में से 300 आए, अगर पेपर होता 100 नंबर का तो कितने आते? तो 20 या 60, यानी कि 100 में से 60 नंबर आते। और जो चीज 100 में से होती है वही क्या हो जाती है? परसेंट। तो यानी कि 60% नंबर होते। तो हमें परसेंट में क्या समझना है बेसिकली, कि 100 में से कितना। अगर हमसे पूछा गया है परसेंट किसी चीज का, तो बस इतना ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, 100 में से कितना, ठीक है। तो देखो, कुछ परसेंट के बारे में समझते हैं जरा कि क्या होता है। अच्छा, 100% का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, एक भाग, पूरा एक भाग कोई भी, उसको क्या बोलते हैं हम? 100%, ठीक है। जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये मैंने लिखा एक तरफ परसेंट, ठीक है, और जब हम इसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 1, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 20%, 20% को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 20% को मैं क्या करूंगा? 100 से डिवाइड करूंगा, 20 × 100 यानी कि 1/5। और जब हम फ्रैक्शन को वापस परसेंट में चेंज कर रहे होते हैं, अगर हमें करना है फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज, तो क्या करते हैं? 100 से गुणा, जैसे मैंने बोला 1/4, कोई भिन्न है 1/4, अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 25%। ऐसा क्यों किया? देखो फिर से वही बेसिक, बिल्कुल 1/4, कोई फ्रैक्शन है 1/4, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूं कि राम ने सीता को अपनी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का 1/4 भाग दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 4 थी तो 1 दे दिया, 4 में से 1, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने अपनी जेब से आपको 1/4 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब क्या? अगर जेब में 4 रुपए थे तो कितना दे दिया? 1 रुपया। अब परसेंट का मतलब क्या? 100 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 4 में से दिया 1, अगर 100 होता तो कितना देता? तो 25, यानी कि 100 में से 25 देता, मतलब कितना हुआ? 25% हो गया। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है ये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब ये चीज हमारी क्या काम है, ये बेसिक मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका हम देखते हैं अब आगे क्या यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई भी चीज 100% है, मैंने कहा इसको 10% बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया मतलब जोड़ दिया गया। जब 100% में मैं 10% जोड़ रहा हूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 110%, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि 20% कम कर दिया गया, अगर 100 में से 20%, यानी कि 100 में से 20 कम कर दिया गया, तो कितना हुआ? ये 80% हुआ।
ठीक है, तो परसेंटेज कैसे बढ़ेगी 100 पर, अगर परसेंट बढ़ रहा है तो जोड़ दो और घट रहा है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। ये कह रहा 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है, बढ़ा दिया गया कोई भी चीज है, वह कहा किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, ये 1/10। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 10% कितना है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ध्यान से देखना, ये बहुत काम की चीज है, आगे बहुत काम आने वाली है, कि 10 का अगर संख्या 10 थी तो 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि 10 का 10% यानी कि 1 बढ़ा दिया गया, तो 10 संख्या थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, ये कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% में जब 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1/5। तो इसका मतलब क्या है कि संख्या अगर 5 थी तो 20% बढ़ा दिया, और 5 का 20% कितना है, 1। तो जब 5 पे 1 बढ़ाया गया तो कितनी हो गई, वो 6 हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जब परसेंटेज में चलेंगे तो। अब ये परसेंटेज कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन में दे दी जाती है कि 12.5% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 12.5% बढ़ा दिया गया, तो 12 × 2 = 24 और 1 25/2, और जब हम 100 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 1/8। तो इसका मतलब क्या है कि 12.5% मतलब कि 8 का 12.5% कितना है, 1 है। अगर हम 8 का 12.5% निकालेंगे तो 1 आएगा, तो जब हम 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी कोई भी संख्या, 9। माइनस करने के लिए कहेगा कि 12.5% कम कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं जो फ्रिक्वेंटली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने दिमाग में बिल्कुल बसा लेना है, रटना नहीं है। ठीक है, दिमाग में बसा लेंगे ताकि जब एग्जाम में आए तो हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, डायरेक्ट हमारे दिमाग में आए और हम आंसर लेके आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं इन चीजों पर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। तो मैं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में एक टेबल बना रहा हूं ताकि वो दिमाग में आपके बस जाए, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन उस परसेंटेज से कैसे हम जल्दी जल्दी से आंसर निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि एक पूरा भाग किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 1/2 आधे को जब 100 से गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा, ये 50% आएगा। ऐसी 1/3, तो 3 को जब 100 से गुणा करेंगे, भाई देखो 100 1/3 × 100, तो डिवाइड करना है 100 को 3 से, तो कितना आएगा, ये 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25 × 100, तो 25%। ऐसे 1/5 का मतलब कितना होगा, 20%। ऐसे 1/6 का मतलब कितना होगा, 16 बार जाएगा, 16 × 96 बचेगा 4/6, तो उसको हम लिख सकते हैं 2/3%। ऐसे 1/7, 14 × 7 = 98, 2 रिमाइंडर, तो 2/7%। ऐसे 1/8, 12 × 8 = 96, 4/8 बचेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2। ऐसे 1/9, तो ये कितना आएगा, 11 × 99, कितना बचा, 1/9%। ऐसे 1/10 का मतलब कितना होता है, 10%। 1/11 का मतलब 11 × 99, 1 बचेगा, 1/11%। 1/12 मतलब 12 × 96, 4/12 को मैं लिख सकता हूँ 1/3%। ऐसे 1/13 का मतलब 13 × 7 = 91, रिमाइंडर 9 9/13%। ऐसे 1/14 को हम लिख सकते हैं 14 × 7 = 98, 2 बचेगा, तो 1/7%। ऐसे 1/15 का मतलब 15 × 96, 10/15 को मैं लिखता हूँ 2/3%। ऐसे 1/16, 16 × 96, ठीक है, बचेगा कितना, 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4%। ठीक है, ऐसे 1/20 का मतलब कितना होता है, 5%। ठीक है, 1/25 मतलब 25 × 100, 4%। तो जो इंपॉर्टेंट फिगर है, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों लिखा है ये, अगर मैं लिख रहा हूं 1/6 = 16 सही 2/3%, इसका मतलब यह है कि 6 का 16 सही 2/3% जो है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। अगर मैं कहूंगा किसी संख्या का 16 सही 2/3%, ठीक है, तो वो क्या होगा कि 6 का 1। सिमिलरली 7 का 14 सही 2/3% कितना है, 1 है। ऐसे ही 9 का 11 सही 1/9% कितना है, 1 है। तो इन फिगर को आपको दिमाग में बिल्कुल बसा लेना है, नोट कर लेना है इनको। तो जो है अभी जब हम एग्जाम, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो ये चीजें, ये जो हमारे फिगर हैं, ये हमारे क्वेश्चंस को बहुत इजी बना रही होंगी, कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा इजी हो रही होगी। ठीक है, तो
इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो यहां पर क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। देखो अगर यहां पर आ रहा है 1/2, तो ये किसका परसेंटेज है, 1/8 का। यहां पर कितना, 1/9, तो यहां पर कितना फ्रैक्शन है, 1/2। मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूं जो अभी आगे बहुत काम आने वाले हैं। ऐसे यहां पर अगर 1/11 है तो इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/11। और अगर यहां पर 1/3 है तो ये किसका फ्रैक्शन है, 1/12 का। ये 1/2 और 1/3, 1/2, 1/8 फ्रैक्शन, और 1/3 आ रहा है तो 1/12 फ्रैक्शन। तो इसको याद रखना, क्योंकि यहां पर अभी जब परसेंटेज हमें ऐसा होगा कि इस टेबल से बाहर भी मिलेगी, लेकिन आप ध्यान रखना बाहर से कुछ नहीं आता है, सब कुछ यहीं से है जो हम पढ़ेंगे, बस कुछ चीजों को मैनिपुलेट करके हमें दे दिया जाता है जिसको हमें समझना है। ठीक है, उसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा अभी, पहले यहां पर बात करते हैं, आगे देखते हैं और क्या इन परसेंटेज का यूज है जो हमने अभी टेबल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डेटा बोल रहा हूं आपको, क्वेश्चन में आपको कराऊंगा टाइप वाइज पूरे कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे हमसे कह दिया गया कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा देने पर वह संख्या 8172 हो जाती है, तो संख्या बताओ। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12.5% इट बिकम्स 8172। फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। तो क्या मकसद है इसका, 12.5%, मैंने अभी बताया 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। तो 1/8 मतलब, और 8 का 12.5% कितना है, 1। अगर संख्या 8 थी, ओरिजिनल नंबर अगर 8 था तो 12.5% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 1। तो जब 1 बढ़ा तो ये हो कितना गया, 9 हो गया, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना कहा गया है, 8172। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि 9 की वैल्यू 8172, तो 8 की कितनी, 981, 0972 और 8 8 64, 8 9 72, तो 7264 वो नंबर था, ये हमारा आंसर आया। तो जब कोई फ्रैक्शन में हमें परसेंटेज दे रखा होता है तो उसको हम फ्रैक्शन में करेंगे, जल्दी आंसर निकल के आएगा। अभी कह रखा होता है किसी संख्या को 10% बढ़ाने पर, ठीक है, वह संख्या जो है 1100 हो जाती है। तो इसको आप चाहे आप 100% मान के कर लो, चाहे आप इसको फ्रैक्शन मान के कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें आदत डालनी है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 1/10, क्योंकि ये जो है ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल से मेरा मतलब क्या है, चाहे आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में आ रही हो चाहे होल नंबर में आ रही हो, आप जो है उसको जल्दी से कर पाएंगे। तो 10 का 10% कितना हुआ, 1। अगर ये बढ़ाया गया तो हो गया 11, 11 की वैल्यू 1100, तो 10 की वैल्यू 1000, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे हमसे कहा गया, देखते हैं क्वेश्चन, और अभी मैं सिर्फ आपको डेटा बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहा गया किसी संख्या को 6.3% कम करने पर, माइनस करने पर वह संख्या 4256 हो जाती है, तो संख्या बताइए। ठीक है, कम करने पर, तो 6.3% अगर आप इसको 100 से कर रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से 6.3% माइनस करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको याद है जो टेबल मैंने आपको बताई है, इसको बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है अच्छे से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमें करना है तो उस तरीके से करना है ताकि हमारा समय बचे, हमें बिना पेन चलाए आंसर आ रहा हो। जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन बिना पेन चलाए हमें आंसर आ रहा हो, हमें टाइम बचाना है। ऐसे क्वेश्चन हमें 2 से 3 सेकंड में करने हैं। ठीक है, तो 6.3% का मतलब मैंने अभी बताया आपको 1/15, तो 15 का इतना परसेंट कितना है, 1। जब 15 में से 1 में घटा रहा होगा तो कितना आ रहा होगा, 14, और 14 की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 4256। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे, और वैल्यू किसकी निकालनी हमें, 15 की, ओरिजिनल नंबर कितना था, 15, तो 14 दिया 42, 0 14 56, 15 64, 15 45, तो नंबर कितना था, 4560। तो ये जो हमने फ्रैक्शन में चेंज किया परसेंटेज को, इसका ये फायदा है कि बहुत जल्दी से हमें आंसर निकल के आ रहे होंगे। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। अब देखो जैसे दे दिया मुझे एक परसेंटेज, दे दी मुझे 44.4%। ठीक है, 44.4%। अब आप कहोगे ये तो हमने टेबल में नहीं पढ़ी, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि मैंने कहा था जो परसेंटेज हमें उसमें नहीं है तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है किसी के साथ, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखो कि यहां पर कितना आ रहा है, नीचे 9 आ रहा है, तो ये हिंट है
कि छेड़छाड़ हुई है 1/9 के साथ, मतलब फ्रैक्शन, क्योंकि 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है 11 से ही 1/9%, नीचे 9 है ना, यहाँ पे भी नीचे 9 है। तो ये हिंट है, ये बहुत काम आने वाले हैं आगे, जब ये थोड़ा सा मैंने कहा ना मैं आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा बिल्कुल, तो जब फ्रैक्शन 10% 20% या रहा होगा ये होगा बिल्कुल बेसिक लेवल, जब 16 से ही 2/3% है ना, 6 से ही 2/3% थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और जब ये इस टाइप से मैनिपुलेट करके आएगा तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल जीरो लेवल से ऊपर लेवल तक चलना है, सब कुछ आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, बस समझते रहना ध्यान से। तो जब नीचे 9 है तो यानी कि यहां पर कितना है 9। अब ये बताओ 1/9 कितना होता है 11 से ही 1/9, तो मुझे साफ साफ यहां से पता चल रहा है कि ये कितने गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। अगर मैं यहां 4 की गुना कर दूं तो 11 चौक 44 और 4 एकम 4/9% आया, मतलब 4 की गुना यहां हुई है तो यहां भी होगी, तो कितना होगा 4/9, यानी कि ये जो 44 से ही 4/9 है ये किसका फ्रैक्शन है, सॉरी किसकी परसेंटेज है, ये 4/9 की, या मैं ये कह सकता हूं कि 9 का 44 से ही 4/9% कितना है 4। तो यहां से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि किसी संख्या में से इतना घटाने पर इतने परसेंट हो जाती है, या इतना परसेंट जोड़ने पर इतनी हो जाती है। अब लैंग्वेज में कुछ भी बोलता रहे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हम आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। और देखो कैसे हो सकता है, इन चीजों को और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या मैनिपुलेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 37 से ही 1/2%, अब ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन तो मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको हिंट दिया था, अगर यहां पर कितना है 1/2 तो ये किसके साथ छेड़छाड़ हुई है 1/8 के साथ, ध्यान रखना, अगर 1/2 है तो 1/8 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, और मुझे पता है कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये 12 से लगभग कितने गुना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा, तो सीधे सीधे आप क्या करो यहां 3 से गुणा कर दो, तो 3/8 यानी कि 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/8। इसको प्रूफ करके बताता हूं मैं, लेकिन एग्जाम में आपको जल्दी से करना है, सिर्फ क्या करना है, आपको पता चल गया 1/8 के साथ छेड़छाड़ हुई है और गुणा कितने से हो रहे, जितना भी ये लगभग जितना गुणा हो रहा हो, 12 से 36 होते हैं, 37 नहीं होते, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यही, देखते हैं कैसे। मैंने यहां 3 से गुणा करी तो 12 से 36 और 3 किससे करेंगे तो 3 एकम 3/2, इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूं 36 + 2 एकम 2 और 1/2, इसका मतलब भी क्या होता है प्लस, तो कितना हुआ 37 सही 1/2% आया नहीं आया। लेकिन एग्जाम में हमें इतना सब कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट करना है, क्योंकि हमें उसे ये नहीं दिखाना, अपना हुनर नहीं दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, हमें तो आंसर, हमें क्या हमारा मकसद है नंबर लेके आना, नंबर कमाना। तो देखा आपने कि ये कर सकते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था परसेंटेज आ गई आपको 62.5%, ठीक है, कि किसी संख्या में से इतना घटाने पर वह खुद का 62.5% हो जाती है, ठीक है। तो 62.5%, अब ये भी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन मैंने आपको क्या कहा 1/2, तो छेड़छाड़ किसके साथ हुई है 1/8 के साथ, और 1/8 का मतलब कितना होता है आपको माइंड में याद रखना है 12.5%, तो ये लगभग कितने गुना है इसका 5 गुना, तो 5 से गुणा कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 62.5% जो है किसका फिगर है, कौन से फ्रैक्शन का है 5/8 का, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन एडवांस लेवल पर जाएंगे हमारे आगे, तो ये चीजें उनको बहुत ही इजी बहुत ही सरल कर रही होंगी, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों, अभी मैं सिर्फ आपको परसेंटेज का बेसिक बता रहा हूं कि परसेंटेज के साथ हमें कैसे कैसे खेलना है। ये परसेंटेज हमें जो मैं लैंग्वेज आपको लिखवाऊंगा अभी क्वेश्चंस में, वही परसेंटेज आगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस सीआई रेशियो प्रोपोर्शन सब में मिलने वाली है, तो यहीं पे आपका काम खत्म हो रहा है, समझ लो 50% काम उन टॉपिक का आपका यहीं पे हो रहा है, सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सॉल्यूशन वही रहेंगे, आंसर भी वही रहेंगे, डेटा सेम है, तो बस लैंग्वेज बदलेगी। तो इसको ध्यान से समझते रहना है, परसेंटेज को हमें बहुत अच्छे से समझना है ताकि आगे हमें ये पूरा फायदा करे। जैसे हम एक मैंने लिखा 106 से ही 2/3%, ठीक है, अभी 100 से नीचे थे हम, अब 100 से ऊपर चलते हैं, तो 106 से ही 2/3% को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 100%, और इसको टुकड़े करके मैं लिख सकता हूं 6 से ही 2/3%। और अभी हमने बात करी थी कि 100% का मतलब होता है 1, ठीक है, अगर कोई चीज 100% है तो कितना भाग है वो 1 भाग है पूरा, और 6 से ही 2/3% किसका था 1/15 का, जो हमने भी टेबल बनाई है दोस्तों उसको आपको इस कदर बिल्कुल पढ़ लेना है कि जब आपको एग्जाम में दिखाई दे 6 से ही 2/3% तो आपके माइंड में जो इमेज बने वो बने 1/15
15 की, ठीक है। इस कदर आपको दिमाग में बिल्कुल को बसा लेना है, और जब आप खुद से सोल्व करेंगे करोगे इनको तो ये बिल्कुल आपको दिमाग में बस जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, खुद ही याद रहेंगी। तो 1/15, तो 1/15 का मतलब 15 × 15 और 1 16/15, इसका मतलब ये जो परसेंटेज है जो किस फ्रैक्शन की है, ये 16/15 की, यानी कि 15 का 106 / 2/3% कितना है 16, क्योंकि ये 100% से ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली 100% कितना होगा 15, और जब जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाली संख्या क्या होगी, इससे बड़ी हो जाएगी, है ना। और देखते हैं, देखो कैसे हमें दी जा सकती है फिगर एग्जाम में। मैंने कहा आपसे 216 से ही 1/2/3%, ठीक है, 216 सही 2/3%। अब आप इसको जल्दी से कैसे करोगे, ये 200 है ना, तो 200 का मतलब 2, और 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6, ठीक है। इसको मैं टुकड़े कर लिए, दोबारा करके दिखाता हूं मैं, इसको मैंने लिखा 200 और प्लस इसको लिखा 16 सही 2/3%, तो 200 का मतलब, क्योंकि हमें डायरेक्ट करना है एग्जाम में जल्दी से करना है, 200 का मतलब 2 और 16 से 2/3 का मतलब 1/6, तो इसको जोड़ूंगा तो मैं कितना आएगा 6 × 12 और 1 13/6, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 200%, 200% का मतलब होता है दुगुना, और ये दुगुने से ज्यादा है, तो देखो 6 × 12 और तो ये 12 से ज्यादा है, ठीक है, तो दुगुने से ज्यादा ही आएगा। तो ऐसे हम इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख सकते हैं। और देखते हैं कैसे हम कर। हेलो फ्रेंड, एक फ्रैक्शन है हमारे पास 57 सही 1/7%, ठीक है, तो यहां पर कितना 1/7, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया किसके साथ छेड़छाड़ हुई है, 1/7 के साथ, क्योंकि नीचे 7 है तो 1/7 हमने रख लिया। अब 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, ये कितना गुना हो रहा है, लगभग 4 गुना हो रहा है, तो यहां भी 4 से गुणा कर दो, यानी कि ये किसका फ्रैक्शन है, 4/7 का फ्रैक्शन है, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन जो है 57 सही 1/7% 4/7 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे इस टाइप से हमें फ्रैक्शन को समझना है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन, जैसे कि इतना जोड़ने पर संख्या इतनी हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि किसी संख्या में से 24 घटाने पर, किसी संख्या में से 24 माइनस करने पर वह संख्या स्वयं की 57 सही 1/7% हो जाती है, तो संख्या बताइए, है ना। क्वेश्चन है, इफ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट बिकम्स 57 1/7%, फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। तो क्या कहा गया है कि संख्या में से 57 सही 1/7% घटाने पर, तो जब इसमें से इतना घटाया जा रहा है तो 7 का कितना ये 4, तो कितना घटाने पर 24 घटाने पर 57 सही 1/7% हो रही है, यानी कि अगर संख्या 7 थी तो कितनी हो रही है 4, तो कितना माइनस करना पड़ रहा है हमें 3, लेकिन कहा कितना है 24, तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि 3 की वैल्यू मुझे रखी है 24, तो 7 संख्या हमने मानी थी 7 की कितनी, तो 3 × 24 और 8 × 7 = 56, तो संख्या कितनी थी वो 56 थी। अब ऐसे फ्रैक्शन जब हम देखते हैं, ऐसी परसेंटेज हम एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन में, तो थोड़ा डर लग जाता है कि यार ये कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल आ गई, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, उसको इजी बना देना है। ये कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जो हमें समझने हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना हमें समझना पड़ेगा बहुत ईजिली, ये चीजें हमें एग्जाम में बहुत ही ईजिली आंसर दे रही होंगी। तो दोस्तों आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अभी इन सभी चीजों पे, उम्मीद है कि आपको ये परसेंटेज समझ में आया होगा, बेसिक बिल्कुल बेसिक है, परसेंटेज को मैं बेसिक से लेकर एडवांस कैसे चेंज हो सकता है, कैसे मैनिपुलेट चीजें की जाती हैं ये बताया इस वीडियो में। आगे मैं और भी लेकर के आऊंगा, अभी ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम लैंग्वेज के साथ, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट पे आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप साथ में लगे रहें। वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।